बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ही फिलिंग से तीन तरह के स्नैक्स। वो आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में इंजॉय कर सकते हैं। एक ही दफ़ा हम फिलिंग बना लेंगे और उससे तीन टाइप के स्नैक्स बनाएंगे। चलें, उसके लिए हमें चाहिए, मैंने ये तीन आलू लिए, उसको बॉयल कर लिया और छिलके उतार के मैश कर लिया। ये मेरे पास हाफ कप चिकन है, बॉयल हुई हुई और श्रेड की हुई। 1 टेबलस्पून मेयोनीज है, 1 टीस्पून या आप कह सकते हैं 2 जवे मैंने लहसुन के लिए और उसको अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। ये देखिए फ्रेशली हैं ये। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है मेरे पास, 1/2 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है, थोड़ा सा धनिया है और एक छोटी सी प्याज, या बड़ी है तो हाफ ले लें आप उसको भी। देखें कितना फाइनली मैंने चॉप किया है। चलें आप इसको मिक्स करते हैं। चिकन इसमें डाल दिया, ये मेयोनीज हम डाल दी इसमें, और ये सारी चीजें इसमें एक ही दफा मिक्स कर देंगे सारी चीजें। सब चीजें इसमें डालेंगे और हम इसको मिक्स कर लेंगे। सबसे अच्छी मिक्सिंग जो होती है वो हाथ से होती है, लेकिन आपके हाथ जो हैं वो वॉश होने चाहिए। ये देखें मिक्स कर लिया मैंने सारा, एक अंडा फेंट लिया है और ये ब्रेड क्रम्स हैं। अंडा फेंटने के बाद अगर हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर दें तो और मिक्स कर दें तो इससे क्या होता है, आप शामी कबाब फ्राई करें या कोई भी चीज़ इसमें कवर करके, अंडे में कवर करके जब हम फ्राई करेंगे तो अंडा उसके साथ बहुत ज़्यादा लगता नहीं है। जितना लगना होता है लग के, बाकी अंडा जो है वो इसमें बाकी इसी में रह जाता है। सबसे पहले हम अपने हाथ हल्के से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है हाथों में, यूं ऐसे लाइट सा 2 ड्रॉप डाल के। अब मैं बनाऊंगी क्रॉकेट्स, जितना साइज में रखना चाहती हूँ और जो शेप बनाना चाहती हूँ वो ये देखिए मैं इस शेप के बनाना चाहती हूँ। कितना इजीली ये शेप बन गई है मेरी क्रॉकेट्स की। इसको मैंने अंडे में डिप किया, ये देखिए इससे क्या होगा, ये देखिए अंडा बाकी नीचे रह गया। अब ये ब्रेड क्रम में मैं ऐसे डिप इसमें कवर करूँगी अच्छे तरीके से, यूं ये देखिए, और ये हमारा ये बन गया। एक और बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने ये लिया, गोल किया, शेप ऐसे की, ये देखिए ये बन गए। इसमें डिप करूंगी, इसमें ये लगाऊंगी और ये देखें कितने इजी से, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, चाय के साथ खाएं। ये देखिए रेडी है। अब एक और रेसिपी बनाएंगे इससे। मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया, उसके 4 पीस किए। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा बैटर लूँगी ये जो मैंने बनाया था, इसको एक साइड पे मैं यूँ ऐसे लगा दूँगी, ये इस तरह से, ये देखिए थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर दूँगी ताकि वो ब्रेड के साथ लग जाए। इसको पकड़ा, यूँ ऐसे अंडे में डिप किया ऊपर नीचे से और इसको यूं ब्रेड क्रम में भी डिप कर लिया, यूं ऐसे, ये देखिए ये आपका सारा इस तरह से ये ऐसे बन गया। इसको रखेंगे, एक और बना के आपको दिखाती हूँ। थोड़ी सी यूं फिलिंग लें, यूं रखें इसके ऊपर, हाथ से थोड़ा प्रेस कर दें। आप चाहें तो दोनों साइड्स पे भी लगा सकते हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी,
मैं सिर्फ एक साइड पे लगा रही हूँ, आपकी मर्जी है। यूं ऐसे डिप करेंगे दोनों साइड से यूं, और ये ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ऐसे यूं सारे। अच्छा, ये ब्रेड क्रम्स जो हैं मैंने फ्रीज किए हुए थे, आपके किनारे बच जाते हैं या वो सादे स्लाइस जो अमूमन सबसे ऊपर होता है वो बच्चे नहीं खाते या बड़े नहीं खाते, तो मैंने उसको उनको ब्लेंडर में डाल के ये ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, और उनको एक शॉपिंग बैग में रख के जो सील पैकिंग वाला होता है उसमें मैंने इसको फ्रीज कर दिया था। ये देखिए कितने फ्रेश हैं, बिल्कुल फ्रीज किए हुए नहीं लग रहे। आप भी इस तरह से फ्रीज करके रख सकते हैं, जब ज़रूरत हो तब आप निकाल लें। अब एक और स्नैक आपको बताती हूँ। ये हमने मैंने ब्रेड का स्लाइस लिया है, उसके किनारे निकाल लिए मैंने, कट कर लिए। इस प्लेट में पानी है, ये देखिएगा, हल्का सा स्लाइस मैं इसमें एक साइड से डिप करूँगी और दूसरी साइड से हल्का सा डिप करूँगी बस, और हाथ से एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल देना है दबा के। ये देखिए निकाल दिया मैंने। अब इसमें मैं फिलिंग रखूंगी, सेंटर में फिलिंग रखी है मैंने, ये देखिए। अब मैं इसको इसी तरह ही हाथों से यूं दबा दूंगी मैं ऐसे ऐसे करके। ये फ्लैट करनी है आपने, फ्लैट कर दें शेप, गोल करनी है गोल कर लें। ये देखिए किनारे भी इसके बंद हो गए और यहाँ से भी सब जगह से ये बंद हो गया। इसको अच्छे तरीके से बस आपने प्रेस कर देना यूं ऐसे। अब आपने अंडे में डिप करना है इसको, फिर आपने ब्रेड क्रम्स में डिप करना है। ये बहुत ही क्रिस्पी से और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। ब्रेड क्रम्स आपने अच्छी तरह लगाने हैं। ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया। एक और मैं आपको बनाना बता देती हूँ। ये देखें स्लाइस लिया है किनारों के बगैर, हल्का सा डिप किया साइड से, हल्का सा डिप किया, और ये इस तरह से मैंने एक्सेस पानी ऐसे निकाल देना है। ये देखिए फिलिंग लगाई इसमें, ये, और इसको इसी तरह ही हाथों से किनारे पे थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं। ये इसी तरह ही हमने प्रेस करते जाना है। ये देखिए इस साइड से भी इधर थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं हम। ये देखिए बंद हो गया सारी साइड से। ये अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। ये देखिए सारी साइड से हमने इसको कर लेना है। ये देखिएगा ये हमारा एक और रेडी हो गया। अब मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ। सबसे पहले हमने डाले ये क्रॉकेट्स, ऑयल हल्का सा गर्म होना चाहिए। ये हमारे गए क्रॉकेट्स, साइड पे जगह है, मैं इसमें डाल देती हूँ ये ब्रेड। हमने ये ब्रेड रोल भी डाल दिया है, ये अब हम दूसरा ब्रेड रोल डालेंगे। ये देखें एक साइड हो गई थी, मैंने साइड चेंज कर दी है, कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है इनकी एक साइड पे। इसी तरह 2-4 मिनट आपने रखना है, क्योंकि अंदर तो सारी चीज़ें पकी हुई हैं, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा इसको देर पकाना नहीं है आपने। फिर अब एक दूसरी साइड से ये हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। ये मैंने पोटैटो ब्रेड भी डाल दी थी, ये एक साइड से हो गई थी, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। ये देखें दूसरी साइड से भी हो रही है, ये हल्का से इसमें कलर आने देंगे
और फिर इसको भी हम वन बाय वन निकाल लेंगे। ये देखिए ये हो गई है, कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। इसको निकाल लेंगे। ये देखें जी, तीनों चीज़ें बनके रेडी हैं। फिलिंग एक थी, उससे हमने बनाए रोल्स, इसको आप ऐसे कट भी कर सकते हैं, पोटैटो स्क्वायर, और ये बनाए हमने क्रॉकेट्स। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें या आप चाय के साथ इंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ घर पे बनाएं और फैमिली के साथ इंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।